अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम जो अरेंजमेंट्स को लेके 2024 के मुहर्रम के अरेंजमेंट्स को लेके, क्योंकि 7 तारीख के मुहर्रम का महीना की शुरुआत है, इसके लिए वक्फ बोर्ड हर साल जो पुरानी रिवायत है उसके हिसाब से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत में इसके अरेंजमेंट्स को, आशुर खानों के और दीगर अरेंजमेंट्स को लेकर वक्फ बोर्ड इंतजाम करता है। उसी के सिलसिले में इस साल भी मुहर्रम के इंतजाम को लेकर 24 तारीख को यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिस में हमने अपने वक्फ बोर्ड के स्टाफ के साथ एक मीटिंग कॉल किए थे, जिसमें वक्फ बोर्ड के अथॉराइज ऑफिसर और दूसरे अहदेदार उसमें शामिल थे। और उस मीटिंग में हमने वक्फ बोर्ड के शिया रुकन निसार हुसैन अहदी साहब को भी हम बुलाए थे कि क्या क्या किस तरीके से हम करना चाहिए। और उससे पहले हम, क्योंकि अक्सर हम देखा गया पिछले कई सालों से मुहर्रम के इंतजाम के लिए हुकूमत की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से ग्रांटिंग एड जारी किया जाता है, लेकिन वो वक्त पे नहीं किया जाता या 2-4 दिन पहले। और ऐसे भी मिसाल है कि मुहर्रम के बाद भी कुछ पैसे रिलीज हुआ करते, मतलब कंटिन्यू हो, तो इसलिए उस रिवायत को तोड़ते हुए हम ये, क्योंकि हमारा मकसद यही है वक्फ बोर्ड का कि इंतजाम के लिए पैसे दे रहे हैं तो उनको वक्त से पहले अगर देने से उनको आसानी होगी इंतजाम के लिए, या चुनाव वगैरह जो भी करवाते हैं उसके लिए आसानी होगी। वो हम मद्देनजर रखते हैं, हुकूमत से हम रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको हम अगर पहले, क्योंकि देना ही है, वो पहले देना है आखिर देना है देना ही है, अगर हम वक्त से पहले अगर देते हैं तो अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है बहुत। और हुकूमत, नई हुकूमत बनने के बाद ये पहला मुहर्रम है, जिस तरीके से रमज़ान में और ईद उल अज़हा में जो हुकूमत ने पूरी जिम्मेदारी के साथ वक्फ बोर्ड को एक हिदायत दी थी कि इसको आप अपने बिल्कुल सीरियस तरीके से इसको आप मॉनिटर करके, इसमें किसी भी किस्म की कमी पेशी नहीं आनी चाहिए और कहीं पर भी फंड का हमारी तरफ से किसी किस्म की रुकावट, उसी तरह मुहर्रम को लेकर भी हुकूमत की हमको खासतौर पर हिदायत है, खासतौर पर हुकूमत तेलंगाना और वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत है कि आप जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे इंतजाम आप कराइए। और हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने ग्रांटी नेट की मंजूरी दे दी है और हमने पहली बार वक्फ बोर्ड की तारीख में पहली बार मुहर्रम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हमने ग्रांटी नेट, जो हमारी तरफ से हम आशुर खानों को, सबील्स को और अंजुमंस को हम देते हैं, वो हम 10 दिन पहले रिलीज कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 506 आशुर खाने और 131 सबील्स और 49 अंजुमंस को हमने 38,36,000 रुपए हम उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में, जिन जिन के अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके अकाउंट्स में हम डाल दिए हैं। जिसको कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रास्त वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आइए, अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स बता के आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम 28 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग रियासती हुकूमत के जानिब से जनाब पुन्नम प्रभाकर साहब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की सदारत में हैदराबाद सेक्रेटरीट में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें तमाम अहदेदारान जो पुलिस के है, जीएचएमसी के है, आरएनबी के है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वर्क्स के है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी, और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारान इंचार्ज मिनिस्टर की जैर सदारत में मीटिंग होगी, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर उसमें वो शामिल रहेंगे, और तमाम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा राज्यसभा और एमएलएस और हमारे कुछ शिया उलमाओं को भी हम उसमें मदू किए हैं। वो मीटिंग के बाद आगे किस तरीके से इंतजाम रियासती सतह पे वक्फ बोर्ड की जानिब से और हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे उसके ऊपर तफसीली बातचीत होगी और उसमें जायजा लिया जाएगा और हिदायत, जरूरी हिदायत
अहदेदारों को वहां से वो मीटिंग के बाद जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट और अंजुमन्स को लेकर, सबील्स को लेकर, आशुखानों को लेकर हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। वो रिक्वेस्ट को हम 28 तारीख के बाद एक डेट हम फिक्स करेंगे, एक वक्त देंगे। वो वक्त के अंदर जो जो भी लोग एप्लीकेशन डालेंगे उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से स्क्रूटनी करके उसका जायजा लेके उसको फिर हम जिन जिन लोगों को कंसिडर करना है उनको कंसिडर करके फिर उनके अकाउंट्स में हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। टोटल आशीर्वाद और 131 सबील्स को दिए हैं और अंजुमन्स को 49 अंजुमन्स को हम किए, और जो बाकी रिक्वेस्ट है हम उसको भी एक बार हम स्क्रूटनी करके हम कंसिडर करके उसके ऊपर फैसला लेंगे।